Rocky, Jitendra और one other. How to turn on announce calls in iPhones. Yes guys, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कैसे guys आप सभी को यहाँ पे announce calls को जो है enable करना है. बेसिकली गाइस इसका जो है एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी पर्सन कॉल करता है, इनकमिंग कॉल आती है तो गाइस आपको ऑटोमेटिकली गाइस यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस के साथ कॉल भी अनाउंस करके बताई जाती है किस कॉन्टैक्ट या फिर किस पर्सन के द्वारा आपको कॉल की जा रही है. बेसिकली गाइस ये फीचर आपको वैसे ही पता होगा बट गाइस कई बार जो है लोगों को नहीं पता होता, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे गाइस आप सभी को इसको इनेबल करना है या फिर गाइस एक्टिवेट करना है अपने आईफोन्स में. सो गाइस चलो वीडियो कर लेते हैं शुरू. एंड यस गाइस आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन गेट दिस फीचर्स एंड हाउ यू कैन turn on these settings in your iPhone basically, okay. And yes guys, please don't forget to subscribe this channel if you are watching my videos at first time. And जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मैं बीच में इंग्लिश इसलिए बोल देता हूँ ताकि गाइस कई बार जो है हमारे सब्सक्राइबर गाइस अदर कंट्रीज से होते हैं तो गाइस उनको जो है समझ नहीं आता, तो ऐसे में गाइस इसलिए मैं थोड़ी सी इंग्लिश बीच में बोल देता हूँ ताकि गाइस उनको भी समझ आ जाए. ठीक है गाइस, तो बेसिकली गाइस इन ऑर्डर टू टर्न ऑन दिस फीचर्स इन योर आईफोन एंड यू हैव टू गाइस गो टू द सेटिंग्स एप्लीकेशन. आप सभी को गाइस यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है. एंड जी हाँ, तो ये गाइस फीचर जो है आईफोन 6 या फिर 5S या फिर 6 प्लस में है या फिर नहीं, इसकी गाइस मेरे को जानकारी नहीं है, बट फिर भी गाइस मैं आपको बता देता हूँ जस्ट गाइस यहाँ पे ये फीचर्स अवेलेबल है इसमें या फिर नहीं, जिनके पास गाइस लो डिवाइस है. फॉर एग्जांपल गाइस मैं बात कर रहा हूँ आईफोन 6 की, 6 प्लस की और 5S की. ठीक है, तो आई थिंक गाइस मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो मैं गाइस देख पा रहा हूँ, एक सेकंड में गाइस यहाँ पे देख लेता हूँ ये आईफोन 6 में है या फिर नहीं. तो गाइस यहाँ पे आपको जाना है, एक्चुअली गाइस यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, आपने देख लेना है, हो सकता है गाइस इसमें भी आपको मिल जाए. ठीक है, तो बेसिकली गाइस यू हैव टू गाइस गो टू द सेटिंग्स एंड फाइंड द कॉन्टैक्ट्स. यू विल सी गाइस here is like content, okay, phone. Simply guys click on this phone, and when you will click on this phone guys, you will see Siri and search, notification, incoming calls, announce calls. Yes guys, this is our main feature. Simply guys you have to tap on here. And आप सभी को इसे यहाँ पे देख लेना है कि आपका गाइस ये नेवर पे होगा तो आपको ऑलवेज पे कल कर लेना है. ठीक है, यानी कि ऑलवेज सेलेक्ट कर लेना. सो गाइस इन ऑर्डर टू गेट द अनाउंस कॉल्स इन योर आईफोन, इफ यू हैव गाइस ऑलरेडी सेलेक्टेड नेवर, देन गाइस राइट नाउ यू हैव टू चूज द ऑलवेज. So that guys, whenever any call will be come on your device, incoming calls, then it will automatically announce that from whose person calling you. Okay, so guys, this is a simple method you can turn on, and you can also guys enable this headphone and car headphone only. So after you guys यहाँ पे always पे रखना है, ऐसा करने से guys आपका जो है हर एक call के ऊपर ये आपको जो है announce करके बताएगा कि आपको इस person के द्वारा call की जा रही है. तो guys यही चीज़ आपको इसमें भी apply करनी है, यानी दोस्तों same चीज़ है आपको अपने iPhone 6 और 5S और 6 प्लस में भी ट्राई करनी है. यहाँ पे आपको जाना है, मैं आपको बताता हूँ सेटिंग्स पे जाएं. सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों आपको फ़ोन वाला फोल्डर फाइंड करना है. ठीक है, सेटिंग्स पे जाएं. एंड सेटिंग्स पे जाने के बाद दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग्स बताई वही सेटिंग गाइस आपको इसमें करना है. एक्चुअली गाइस इस फोन में जो है मेरी सिम नहीं पड़ी है, इसलिए गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जा तो रहा हूँ बट ये इनेबल नहीं है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सिम डालनी पड़ेगी. तो इसलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ सेटिंग्स क्या करनी है. आपको फोन पे जाए एंड उसके बाद दोस्तों जैसे आपको कोई इनकमिंग कॉल आती है तो ये ऑटोमेटिक गाइस आपका डिवाइस अनाउंस करके उस पर्सन का नाम स्पीक करेगा, आपके सामने बताएगा किस पर्सन के द्वारा आपको कॉल की जा रही है. तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.